अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, लेकिन सच यही है। नमस्कार, मैं दीपक दीपू इलिया और लोकार्पण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकार्पण पहुंचा है आज केदार घाटी के गुप्त काशी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ऊपर भगवान जाग देवता के मंदिर परिसर में, और सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। 15 अप्रैल यानी कि धोगति बैसाख को हर वर्ष यहां पर एक मेला आयोजित किया जाता है, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बहकते हुए अंगारे। कल रात ठीक 9 बजे पंडितों के वेद मंत्रों द्वारा इस पर अग्नि प्रज्वलित की गई थी मुंडी पर, और आज ये बहकते हुए अंगारे ठीक 2 बजे भगवान यक्षराज के पशु आपको इसमें नृत्य करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन को कहूंगा इस भीड़ को दिखाने की कोशिश करें। तमाम यहां पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग भगवान जाग देवता के दर्शन करने यहां पर आए हैं, और कहते हैं कि जब भगवान यक्षराज इस अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं तो इसको देखना बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो जुड़े रहेगा लोकार्पण के साथ, ठीक 2 बजे अभी आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से भगवान यक्षराज अभी नारायण कोटी से जो इसके पशुआ हैं वो कोठेड़ा और देवसाल से होते हुए इस मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, और यहां पर आपको नंगे पैर यहां पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे। तो जुड़े रहेगा लोकार्पण के साथ। तो देखिएगा भगवान जाग देवता के पशुआ नारायण कोटी से अब मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, और यहां पर देख सकते हैं तमाम लोग इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर जय। तो देखिए भगवान जाग देवता के जय जयकार के नारे चारों तरफ लग रहे हैं इस वक्त मंदिर परिसर में। देख सकते हैं किस प्रकार से माहौल बना हुआ है इस दृश्य को देखने के लिए। तो देखिए ढोल दमाओं की जो गति है वो बहुत तीव्र हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु कितने आतुर हो रखे हैं इस दृश्य को देखने के लिए। देख सकते हैं आप इन दहकते हुए अंगारों में अभी जब आप भगवान जाग देवता के पशुआ को देखेंगे, तो यहाँ पर तमाम लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और सामने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ देख सकते हैं छतों में भी लोग चढ़े हुए हैं इस दृश्य को देखने के लिए, और तमाम मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भीड़, लोगों ने अपने हाथ में कैमरा लिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप अग्निकुंड एकदम तैयार हो चुका है, अब भगवान जाग देवता के पशुआ आपको इस अग्निकुंड में नंगे पैर चलते हुए नजर। तो देखिएगा अब ढोल दमाओं की गति काफी तीव्र हो चुकी है, और भगवान जाग देवता के जय जयकार के नारे, और देख सकते हैं अग्निकुंड में भगवान जाग देवता ने प्रवेश कर लिया है। और देखिएगा इस दृश्य को देखने के लिए तमाम ये भीड़ यहाँ पर आई हुई थी। अभी अभी आपने ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी हैं लोकार्पण पे। बोलो जाग देवता की जय।